चैप्टर जो है यूनिट 4 का पार्ट है, दैट इज योर क्लाइमेट। स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। आइए देख लेते हैं चैप्टर में क्या लिखा गया है। दिस इज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। तो सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में यहाँ पर स्टार्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एयर इज असेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये आपको पता है कि जो एयर है वो बहुत ज्यादा असेंशियल है सर्वाइवल ऑफ सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब देख लेते हैं कि एटमोसफेयर क्या होता है। एटमोसफेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर होता है एंड इट एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। ये अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एनवलप करता है, यानी कि अर्थ को एक तरीके से ये कवर अप करता है। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। तो ये एनिमल्स और ह्यूमन्स के लिए जो गैस देता है दैट इज ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये देता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास, क्योंकि एयर का क्या है कि 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफेयर जो है वो कहां पर कन्फाइंड है, देखिए, टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ की सरफेस से अगर आप 32 किलोमीटर तक की हाइट पे देखेंगे तो 99% ऑफ द एटमोसफेयर जो है वो इसी रीजन में, इसी जोन में या इसी एरिया में जो है वो कन्फाइंड है। द एयर इज कलरलेस एंड ओडरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट इज ब्लो एज विंड। यानी कि जो एयर है उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई स्मेल नहीं है, कोई ओडर नहीं है, और उसको हम केवल तभी फील कर सकते हैं जब वो विंड की तरह ब्लो करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर, कि एटमोसफेयर किस किस चीज से बना हुआ है। द एटमोसफेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। तो देखिए एटमोसफेयर में गैसेस हैं जो सबसे ज्यादा है, लेकिन सिर्फ गैसेस से ही नहीं बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो एटमोसफेयर में होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस changes in the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negligible quantity at a height of 120 kilometer. इसका मतलब क्या है कि जो गैसेस का प्रपोर्शन है वो हायर लेयर्स में वो चेंज होता है, और जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ 120 किलोमीटर की हाइट तक ही आपको मिलेगी। यानी कि 120 किलोमीटर की हाइट से अगर आप ऊपर जाएंगे अर्थ की सरफेस से तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलेगी। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो भी 90 किलोमीटर तक की हाइट तक ही आपको मिलेंगे। कहां से, सरफेस ऑफ द अर्थ से, ध्यान रखिएगा सरफेस ऑफ द अर्थ से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं गैसेस। गैसेस में लिखा गया, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, देखिए सोलर रेडिएशन क्या होता है, सोलर रेडिएशन होता है जो रेडिएशन सन से हमें मिल रहा है वो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो ये उनके लिए ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है या जो उसकी लेयर है आपको कह सकते हैं कि उसके थ्रू जो सोलर रेडिएशन है वो अंदर आ जाती है। ठीक है, अगर मैं जैसे इस तरीके से आपको बना के समझाऊं कि ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, इस सन से ये अर्थ पर सोलर रेडिएशन आ रही है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये CO2 की लेयर है या ये CO2 है। ठीक है, तो यहां पर ये आ रही है, यानी कि ये इसको तो पास कर सकती है, लेकिन जो अर्थ का पोर्शन होगा, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, तो इस अर्थ के पोर्शन से, जब अर्थ क्या होता है कि अर्थ इनकमिंग सोलर रेडिएशन से अर्थ गर्म होती है तो ये एक खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा एक बेसिक समझ के चलिए कि अर्थ गर्म होने के बाद रेडिएटिंग सरफेस बन जाती है, तो इससे भी वापस क्या होता है कि रेडिएशन ऊपर की तरफ को जाती है एटमोसफेयर के थ्रू। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस सन की इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, यानी कि जो अर्थ से वापस रेडिएशन होता है, उनके लिए ये ओपेक हो जाती है। ओपेक का मतलब है कि ये उसको पास नहीं होने देती है। ये वर्ड्स आपने साइंस में भी पढ़े होंगे, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जिसके थ्रू चीजें पास हो सकती हैं, ओपेक का मतलब है जिसके थ्रू चीजें पास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस। अब जब ये इसको पास नहीं होने देती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, तो ये कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी ये क्या होता है कि कुछ पार्ट वापस अर्थ को रिफ्लेक्ट करती है, तो उससे क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस, ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए,
द वॉल्यूम ऑफ अ फ्यू डिकेड्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम ज्यादा देर का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है। एक इंपॉर्टेंट गैस और लिखी गई है यहां पर, देखिए ओजोन। ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमोस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 एंड 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर अबव तक एक गैस हमें और मिलती है, दैट इज योर ओजोन गैस। और ये एक्ट करती है एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज, जो अर्थ जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ये उनको फिल्टर करती हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और ये उनको अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से रोकती हैं। आगे देख लेते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैस इन द एटमोस्फेयर, ये भी एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस है मतलब इसका भी जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है, विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड के साथ, देखिए यहां पर वर्ड लिखा गया है एल्टीट्यूड, इसको लेटीट्यूड के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो ये हाइट के साथ जो है कम होती है। इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, तो वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में इसका जो परसेंट है वो 4% तक हो सकता है, किसका, वाटर वेपर का, ठीक है। और कोल्ड एंड ड्राई एरियाज ऑफ डेजर्ट्स एंड पोलर रीजन्स में इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। तो देखिए यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि एल्टीट्यूड के साथ भी चेंज होता है और लेटीट्यूड के साथ भी इसका चेंज हो रहा है। देखिए जो ट्रॉपिकल रीजन है, वार्म और वेट ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर ये 4% तक हो सकती है, और जो कोल्ड एंड ड्राई एरियाज ऑफ डेजर्ट्स हैं और जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर ये लेस देन 1% होती है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ये चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ रेडिएटेड हीट। तो इसका भी कुछ कुछ फंक्शन थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही है कि ये कुछ सन के इंसुलेशन को भी एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के जो रेडिएट करती है अर्थ की हीट उसको भी ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करती है। इट दस एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट, यानी कि ये अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है कि उससे ये जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर, किस तरीके से ये करती है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज योर डस्ट पार्टिकल्स। एटमोस्फेयर हैज सफिशियंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सॉल्ट्स, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, ऐश, पॉलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स। तो जो एटमोस्फेयर है उसके पास कुछ कैपेसिटी होती है कि वो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को भी रख सकता है जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि और होते क्या क्या है, जैसे कि सी सॉल्ट है, फाइन सॉइल है, स्मोक सूट है, ऐश है, पॉलन है, डस्ट है, और या फिर मीटियोर्स के डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स, ध्यान रखिएगा लोअर लेयर्स में जनरली ये कंसंट्रेटेड होते हैं, लेकिन जो कन्वेक्शनल एयर करेंट्स होते हैं दे मे ट्रांसपोर्ट देम टू द ग्रेट हाइट्स, तो वो उनको ऊपर के पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कन्वेक्शनल एयर करेंट्स, यानी कि आप कह सकते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर। द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। तो ध्यान रखिएगा कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है ड्यू टू ड्राई विंड्स, ठीक है, और कंपेयर्ड टू कहां के, इक्वेटोर और पोलर रीजन्स में कम होती है। तो डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट्स एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब वो होता है कि जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स, तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, ज्यादातर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर, कि एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। द एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, एटमोस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर और जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। डेंसिटी इज हाइएस्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि जो डेंसिटी है लेयर्स की वो अर्थ के सर्फेस के पास सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते जाएंगे या एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उसकी जो डेंसिटी है लेयर की वो कम होती चली जाएगी। द कॉलम ऑफ एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लेयर्स का डिवीजन किया गया है वो डेंसिटी के बेसिस पर नहीं है, वो टेम्परेचर के बेसिस पर है, और वो क्या क्या है, वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं, मेजर लेयर्स हैं, इनके नाम को आप
ध्यान रखिएगा, आगे हम इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, जो लोएस्ट लेयर है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से है 13 किलोमीटर तक, और एक्सटेंड्स रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स, यानी कि पोल्स के पास ये कम है, और 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के पास इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर की है। तो थिकनेस ऑफ एटमोस ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर है, अब वर्टिकल मूवमेंट जहां पर ज्यादा होता है, जहां पर एयर का जो मास है वो ज्यादा गर्म होगा, और इक्वेटर के पास आपको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर हीट जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए कन्वेक्शनल करंट जो है वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर है वो इक्वेटर के पास ज्यादा है और पोल्स के पास कम है, 8 से 18 तक वेरी करती है, और एवरेज हाइट इसकी जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास है। दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। यहां पर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट और वेदर चेंजेस जो होते हैं वो सारे के सारे इसी लेयर में होते हैं, यानी कि किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। यानी कि आप जैसे जैसे 165 मीटर की हाइट पर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो होती हैं वो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। ठीक, अगला है द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अदर लेयर है, सेकेंड लेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो जोन सेपरेट करता है उसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। तो इसका एवरेज टेम्परेचर आप यहां पर देख सकते हैं -55 to 60 डिग्री के आसपास दिख रहा है माइनस में, ट्रोपोपॉज ये है, देखिए यहां पर फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ट्रोपोपॉज की ये लाइन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए ये ट्रोपोपॉज है जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट कर रही है, और इसके यहां पर टेम्परेचर जो है वो एवरेज -55 to -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इक्वेटर के ऊपर ये -80 डिग्री सेल्सियस है और पोल्स के ऊपर ये -45 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कॉन्स्टेंट, जो टेम्परेचर यहां पर है वो नियरली कॉन्स्टेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है द पॉज, यानी कि ट्रोपो पॉज, और ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है तो इसको बोला जाता है ट्रोपो पॉज। अगली लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपो पॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। देखिए 50 किलोमीटर की जो हाइट लिखी गई है इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये अर्थ की सरफेस से लेकर 50 किलोमीटर की हाइट है। ठीक है, यानी कि 13 किलोमीटर की हाइट आपकी किसकी है, एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की है, और उससे ऊपर यानी कि अराउंड 37-38 किलोमीटर की जो थिकनेस है वो स्ट्रेटोस्फेयर की है। जो 50 किलोमीटर की हाइट है वो अर्थ की सरफेस से है, इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो इसी में है स्ट्रेटोस्फेयर में। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उनको क्या करता है, फिल्टर की तरह काम करता है और एब्जॉर्ब करता है। अगला लेयर है मीजोस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अगेन ये हाइट जो 80 किलोमीटर की है दैट इज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर, आपका जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, और मीजोस्फेयर में आपका टेम्परेचर फिर से कम होना शुरू हो जाएगा विद द इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। यानी कि जहां पर आपका मीजोपॉज होगा, देखिए इस फिगर में आप देखिए यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा मीजोपॉज, ये देखिए ये आपका मीजोपॉज है, यानी कि जहां पर आपका मीजोस्फेयर कंप्लीट हो रहा है वहां पर मीजोपॉज है, और यहां पर टेम्परेचर आपका वापस से कितना हो गया है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। द अपर लिमिट ऑफ द मीजोस्फेयर इज नोन एज मीजोपॉज। ठीक है, अगली लेयर यहां पर एक लिखी गई है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, मैं उसको दूर करता हूं अभी। देखिए अगली लेयर यहां पर लिखी गई है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मीजोपॉज, यानी कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है मीजोपॉज के ऊपर है आइनोस्फेयर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस एंड हेंस इट्स नेम इज आइनोस्फेयर। जो रेडियो वेव्स होती है ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द हाइट।
ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज को आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए मैं यहां पर इस चीज को लिख देता हूं कि आइनोस्फेयर, देखिए यहां पर आपको थर्मोस्फेयर दिख रहा है और एक्सोस्फेयर दिख रहा है, लेकिन आइनोस्फेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आइनोस्फेयर एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपके आयोनाइज्ड पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर आयनोस्फेयर में होते हैं आपके आयोनाइज्ड पार्ट। ठीक है, आयोनाइज्ड पार्ट ऑफ अर्थ अपर एटमोस्फेयर। और जनरली जो इसकी हाइट होती है वो यहां पर लिखी गई है 80 to 400 किलोमीटर, लेकिन जनरली जो हाइट है वो होती है अराउंड 60 किलोमीटर से लेकर 1100-1200 किलोमीटर के आसपास तक की हाइट। ठीक है, और इस आइनोस्फेयर के अंदर तीनों लेयर आती हैं। ठीक है, तीनों लेयर का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, दैट इज थर्मोस्फेयर भी इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स थर्मोस्फेयर प्लस इट इंक्लूड्स मीजोस्फेयर प्लस इज इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर का कुछ कुछ पार्ट जो है वो आइनोस्फेयर के अंदर आता है। ठीक है, ये कोई एक पूरी सेपरेट लेयर नहीं है। ठीक है, यहां पर भी आप नाम देखेंगे, पांच नाम में आपको नाम दिए गए हैं, जो वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर का नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के कुछ कुछ पार्ट को जो है वो मिला के बन जाता है आइनोस्फेयर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट जो लेयर है वो है आपकी एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज योर नोन एज एक्सोस्फेयर। ये हाईएस्ट लेयर है और इसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वट एवर कंटेंट्स आर देयर दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड, यानी कि एक्सट्रीमली रेरिफाइड कंडीशंस में है, यानी कि जो इनकी डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस, और ये धीमे धीमे क्या होता है, ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। इसकी हाइट वगैरह के बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ऑल्दो ऑल लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, ज्योग्राफर्स आर कंसर्न विद द फर्स्ट टू लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। जबकि पांचों की पांचों लेयर का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर जरूर है, लेकिन जो ज्योग्राफर्स हैं या जो मेन स्टडी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ दो लेयर्स को लेकर है, जो पहली दो लेयर है, दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट और वेदर के, जो एलिमेंट्स हैं, द मेन एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, वो कौन कौन से हैं, दे आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। और इन सब के बारे में हम अगले आने वाले चैप्टर्स में, यानी कि 9th, 10th और 11th चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है।